नमस्कार, मैं रिति गोला, स्वागत है आपका ANTV में। दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र 2018-19 के दाखिले की प्रक्रिया मई के दूसरे सप्ताह में शुरू होने जा रही है। दाखिला समिति ने इस साल अन्य पिछड़ा वर्ग OBC छात्राओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए दाखिले के दौरान उन्हें कट ऑफ में 2% छूट देने की तैयारी की है। पहले यह छूट 1% थी। दाखिला समिति के एक सदस्य ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि DU में 8000 लड़कों की तुलना में तकरीबन 6000 छात्राएं OBC वर्ग में आवेदन करती हैं। यह बात बीते कई सालों के रिकॉर्ड में सामने आई है कि सिर्फ OBC ही ऐसी श्रेणी है जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों के आवेदन कम आते हैं। इसी कारण महिला कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं। इस बार OBC वर्ग की छात्राओं के दाखिले की प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 2 पॉइंट का लाभ दिया जाएगा। अभी तक कुछ कॉलेज छात्राओं को 1 पॉइंट देते आ रहे थे, अब 2% होने पर OBC वर्ग की छात्राओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा था कि ऑनलाइन आवेदन करते वक्त छात्राओं को NC वेब का विकल्प चुनने में दिक्कत हो रही थी। इसकी वजह थी मुख्य आवेदन पत्र में NC वेब का विकल्प साथ में दिया होता है। इस बार हुए बदलाव में मुख्य आवेदन पत्र के साथ ही अलग से NC वेब का टैब दिया गया है। आज के खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।